हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सबनॉटिका बिलो जीरो के गाइड वीडियो में। मैं हूं गैलेक्स, और आज के गाइड वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर्किटेक्ट फेस गेट फैसिलिटी के पास कैसे जाना है, उसका लोकेशन क्या है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और अगर आपको ये सिग्नल मिल चुका है दैट मीन्स आपने अपने एलन का पूरा बॉडी बना लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने। उसके तीन कंपोनेंट्स थे, तीनों कंपोनेंट्स आपने बना रखे हैं और आपने फैब्रिकेट भी कर लिया। तो उसका एलन आर्किटेक्ट के फैब्रिकेटर का लोकेशन का इसमें आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, तो वो चेक इट आउट। तो चलिए चलते हैं। आपकी मुलाकात होने के बाद एलन से, एलन आपको बोलेगा आपको इधर आना है आर्किटेक्ट फेस गेट फैसिलिटी के पास। सो इसका लोकेशन बहुत ही सिंपल है, हम अपने यही स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने सी ट्रक में। इन टर्म्स ऑफ गाइस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैश लाइट चाहिए रहेगा, बस। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। तो चलिए चलते हैं। टर्म्स ऑफ डायरेक्शन मैं आपको अगर बताऊं तो नॉर्थ 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 की तरफ रहेगा गाइस। एग्जैक्ट इसी वॉल को आप हग करके चलना, समवेयर अबाउट 250 मीटर्स। ये वाला डायरेक्शन नहीं, जो 250 मीटर्स आपको बोल रहा हूँ वो कुछ ओपनिंग एक आएगा उसका डायरेक्शन है, जहाँ पे आप अपने सी ट्रक को छोड़ोगे। बस इस वॉल को आप हक करके चलते जाइए। इन टर्म्स ऑफ डेंजर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। और कुछ इस तरह का आपको ओपनिंग देखने को मिलेगा। अगर आप डे में वेंचर करोगे तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी रहेगी, एंड मेक श्योर आप डे में ही वेंचर करो। सो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट पॉइंट देखूँ तो इट इज़ 250 मीटर्स। बस यहाँ पे आप अपना सी ट्रक को प्लेस कर दीजिए, फ्लैश लाइट जला लेते हैं एंड लेट्स गेट गोइंग। ये जो फ्रोजन रिवर है इसको फॉलो करिए, टू लिलीज हैं, थर्मल प्लांट्स। सो ये आपके लैंडमार्क रहेंगे दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन एंड राइट लोकेशन। को देखने नहीं मिल रहा है बट यहाँ पे गाइस एक स्नोमैन था गाइस, तो वो स्नोमैन को हमने उड़ा दिया। खैर आपको आना रहेगा यहाँ पे आउटपोस्ट ज़ीरो। सो दिस इज़ योर आउटपोस्ट ज़ीरो, एंड आगे आपको एक और थर्मल लिली देखने को मिलेगा। तो इस डायरेक्शन पे जाइए, यहाँ पे स्टिक लाइट्स भी हैं विच मीन्स यू आर इन द राइट पाथ। बहुत सिंपल पाथ है, बस इसको फॉलो करते जाइए। यहाँ पे कुछ एक एलियन लैम्प देखने को मिलेगा, इसके अंदर आ जाइए। एंड गाइस गेम सेव मत करना, मैं आपको बताऊंगा आपको गेम कहाँ सेव करना होगा। वैसे यहाँ पे गेम सेव करने की कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बस आप जाते जाइए। आने के बाद गाइस कुछ इस तरह का गेट आपको देखने को मिलेगा, सो आपको इस गेट के पार जाना है। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप नहीं चाहते कुछ भी चीज़ स्पॉयल होना, सो ये आप खुद से करिए। ये उनके लिए जिन्होंने ये गेम खेल रखा है या जिनको देखना है, क्यूरियोसिटी है कि नहीं भैया हमें तो गेम देखना है, मज़ा आएगा, सो ये उनके लिए है। बट अगर आप खेल रहे हो सो मैं स्पॉइल नहीं देना चाहता। इसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी पजल नहीं है, बस आपको आगे जाना है। एलन से मुलाकात होगी और एलन आपको एक टास्क देगा छोटा सा, वो करना है, बहुत सिंपल टास्क है और वो आप खुद करना, आपको मज़ा आएगा, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। सो अगर आप स्पॉयलर नहीं देखना चाहते हो तो इस लोकेशन इस पार्ट के बाद आप अब वीडियो बंद कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये उनके लिए जो स्पॉयलर नहीं देखना चाहते। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारा एलन। तो आइए इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। ये रहे हमारे एलन भाई साहब, कितने कूल दिख रहे हैं ना। Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where architects come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. If they live at all. Or you could find peace. Family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet.
Join me on the other side when you are ready to leave. अब चलिए चलते हैं आगे. अभी तो हमने गेम सेव नहीं किया, सो लेट्स गेट गोइंग. जो मैं बता रहा हूँ आपको दिखाता हूँ. देखिए यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते. दिस इज़ वन वे रूट. सो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्विट करना पड़ेगा. एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक यू कैनॉट सेव योर गेम ऑल्सो. ओ नाइस, दैट्स नाइस, यू कैनॉट सेव योर गेम. ये एक अच्छा किया डेवलपर्स ने. So, चलिए. Robin, you're just in time. The phase gate is opening. You've been hiding a phase gate here this whole time? Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe, in hopes that the others survived. Yeah. Prepare the ship. The energy masks must be moved into place. Well, this is different. अच्छा हो एलन रोग नहीं है. एलन हमारा फ्रेंड है. मान लो एलन अगर एनिमी होता सो वाट लगा देता. तो चलो हम लोग को एक काम मिला है, हमें एक छोटा सा टास्क करना है. बहुत इजी टास्क है. आपको जो दो पिलर्स गिरे हुए हैं, ये दोनों पिलर्स, इनको आपको अलाइन करके रखना है. कुछ नहीं करना, बस लेफ़्ट क्लिक कर दो एंड वो अपने आप करेगा सब कुछ. ये अपने आप कर रहे हैं, मैं माउस कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ. बेसिकली दिस इज़ अ कट सीन. तो एक पिलर हो चुका है, अब सेकंड पिलर. हाँ यहाँ पे हम गेम सेव नहीं कर सकते, दैट्स नाइस. डेव्स ने बहुत अच्छा काम किया है. तो ये अलाइन हो चुका है. Return to me and I will initiate ship assembly. अब एलन के पास वापस जाते हैं. सैविज दिख रहा है एलन लेकिन. Thank you. The masks are in place. The energy field is ready. There is no time to lose. और अब आप यहाँ से नज़ारे देखिए. एलन भाई साहब अभी स्पेसशिप बना रहे हैं. Join me, Robin. Join me, Robin. So ये रे आ गया. चलिए इसके अंदर चलते हैं. It was calibrated for heavier bodies. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. Is this permanent? Nothing is permanent. Are you ready to go? Yeah, you could say that. Ready to leave the past behind. Good. Please brace yourself, and then we will depart. तो अब हमें क्या करना है? हमें ब्रेस करना है अपने आप को. सो ब्रेस फॉर लॉन्च. बस इसको पकड़ के रखिए और बाकी एलन पायलट करेगा. लॉन्चिंग इन 3, 2, 1. तो बेसिकली ये एक पोर्टल है, इससे हम अपने प्लैनेट को लीव करेंगे.
will we find when we get there? If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls, Dimmy. प्लेनेट पे आ चुके हैं. दिस इज एलन्स प्लेनेट. एंड इफ दे सरवाइव्ड विद यू, आई एम रेडी टू फेस व्हाटएवर अवेट्स. सो गेम खत्म गाइस. That's it guys, thank you इस बहुत ही beautiful journey में हमारे साथ बने रहने के लिए. मैंने बहुत सारे guide video बनाए हैं इसके, and also बहुत अच्छा experience रहा अभी तक. बहुत ही मज़ेदार game है. मैंने Subnautica भी खेला, उसके बाद Subnautica Below Zero, दोनों game हमने complete किए और दोनों के मैंने guide videos बना रखे हैं. अगर guys कुछ भी Below Zero का guide video अगर missing होगा या आपको चाहिए होगा तो मुझे बताना. मैंने कुछ शायद दो चार चीज़ें मिस की हैं जो कि इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी. अगर मैं स्टोरी रिलेटेड देखूं तो वो आपको आपकी बेस के लिए काम आ सकता है, आपको साइड क्वेस्ट के लिए काम आ सकता है, बट कुछ भी ऐसा चीज़ मैंने मिस नहीं किया है जो आपको स्टोरी में हिंडर करे, यू नो. तो थैंक यू गाइस वंस अगेन, बहुत मज़ा आया ये गेम खेल के. आई होप मेरे गाइड वीडियो आपको पसंद आए होंगे, एंड मिलते हैं गाइस अब अगले गेम में, या इसके भी कुछ एक दो और अगर बचे होंगे तो उसके फ्रेगमेंट्स भी मैं आपको बता दूंगा, उन सब के भी लोकेशंस मैं आपको बता दूंगा. तो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय.